दोस्तों, अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चा में है। तो दोस्तों, सूर्यवंशी को ट्रेलर को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको देने वाला हूँ। फिल्म की रिलीज डेट सामने आई है और फिल्म का ट्रेलर कब तक रिलीज़ किया जाएगा ये भी डेट सामने आ चुकी है, और फिल्म की कुछ अपडेट्स भी आपको देने वाला हूँ। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप अक्षय कुमार को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सूर्यवंशी अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि अक्षय कुमार कटरीना कैफ की ये फिल्म 27 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है, लेकिन फैंस इसके लिए उतावले होते जा रहे हैं कि अभी तक फिल्म का ट्रेलर जारी नहीं किया गया है। फैंस फिलहाल चाहते हैं कि ट्रेलर ही सामने आ जाए। अब ऐसे में अक्षय कुमार और कटरीना कैफ के फैंस को ट्रेलर के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्यवंशी का ट्रेलर 27 फरवरी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। हालांकि अभी भी फैंस के लिए करीब 1 महीने का इंतज़ार है, लेकिन अब दोस्तों आपको बताता चलूं कि अब 1 महीने का इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 27 फरवरी को ट्रेलर रिलीज़ होने वाला है। तो कह लीजिए आप कि सिर्फ 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। अपडेट सामने आ चुकी है। अब अगर बात की जाए फिल्म के मेकर्स की, तो मेकर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर गलती से ये खुलासा हो गया था कि फिल्म का ट्रेलर 27 तारीख को ही आएगा, यानी कि 27 फरवरी को। लेकिन इसके बावजूद जब उनको ये लगा कि फिल्म का ट्रेलर अभी रिलीज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जब गलती से ये गलती हो गई तो फिर फिल्म के मेकर्स ने 27 फरवरी को ही ट्रेलर को रिलीज़ करने की घोषणा कर दी। अब दोस्तों आपको बता दूं फिल्म से कुछ अपडेट, क्योंकि इस फिल्म में पहले जैकी श्रॉफ की एंट्री हो चुकी थी, हम सब जानते हैं, लेकिन अब एक बड़े कलाकार की एंट्री हो चुकी है इस फिल्म में, जिनका नाम है ऋतिक रोशन। यहाँ दोस्तों, ये फिल्म 27 फरवरी को उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा, और इसके अलावा ये फिल्म 27 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है ये, अब तक की जितनी फिल्म आई है। वह तो साल 2019 में अक्षय कुमार की चारों फिल्मों ने खूब धमाल मचाया। अब उम्मीद करते हैं कि साल 2020 में भी अक्षय कुमार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय।